हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस माने वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल नामक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा समन्वित किया जाता है। सबसे पहला रेबीज दिवस साल 2007 को मनाया गया था। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य रेबीज के खिलाफ होने वाली लड़ाई में विश्व को एकजुट करना है। 28 सितंबर को ही विश्व रेबीज दिवस मनाने का एक और कारण है, दरअसल इसी दिन लुई पाश्चर की पुण्यतिथि है। पाश्चर ने ही पहली प्रभावी रेबीज वैक्सीन को विकसित किया था। हर साल विश्व रेबीज दिवस के लिए अलग अलग थीम रखी जाती है। इस साल विश्व रेबीज दिवस 2021 की थीम है रेबीज, तथ्य डर नहीं, माने रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर है। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। वैसे तो ये पूरी तरह से रोकथाम वाला रोग है, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। अफ्रीका और एशिया के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 90% बच्चों की मृत्यु के साथ हर साल लगभग 59,000 लोग रेबीज के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ भी रेबीज एक बड़ी समस्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु रेबीज की वजह से हो जाती है। बता दें, रेबीज जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। मनुष्यों के लगभग 90% मामलों में रेबीज फैलने का कारण कुत्ते का काटना होता है। कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के लक्षण 1 से 3 महीने में दिखाई देते हैं। स्तनधारी जंतुओं के काटने पर सतर्क रहें, खासकर कुत्ते, बंदर, सियार, बिल्ली जैसे जंतु से। इसके काटने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। झाड़ फूंक कराने के बजाय चिकित्सक से मिलें। अपना वैक्सीनेशन कराएं। रेबीज का वायरस सीधे दिमाग पर हमला करता है, वहीं बीमारी गंभीर होने पर मरीज की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। बात करें रेबीज के लक्षण और उपायों की, तो रेबीज वाले मरीज को शुरू के 1-2 दिन में बुखार, भूख न लगना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन आदि की समस्या होने लगती है। ऐसे व्यक्ति के मुंह से लार भी अधिक निकलने लगता है। अगर इनमें से कोई लक्षण है तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। रेबीज से बचने के लिए सही समय पर प्रिवेंटिव उपाय करने जरूरी हैं। यानी उसके वायरस को मरीज के शरीर में बढ़ने से रोका जा सकता है और रेबीज से बचा भी जा सकता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस।